अपने आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड को कितना सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय आधार सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा देखिए इसमें हमारा सारे ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वो आधार कार्ड से लिंक ही हैं, मगर सबसे बड़ी बात है बैंक अकाउंट की। देखिए बैंक अकाउंट जितना आप सिक्योर कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा। तो मैं आज आपको सारी जानकारी बताएंगे कि अपने आधार कार्ड को और सिक्योर कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी डेमोग्राफिक डिटेल होती है उसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में, आज हम आपको यही बताएंगे कि अपने आधार कार्ड को सिक्योर कैसे करना है। इसके लिए देखिए आपको क्या है, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर लिखा myaadhar.uidi.gov.in, तो आपको करना है इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आधार कार्ड की नई वेबसाइट है, आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो करना कि आपको इसी लॉगिन वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल कर देना, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड शो हो रहा है ये आपको यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा वो डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। तो देखिए मैंने अपना ओटीपी आ गया, मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम लॉगिन वाली बटन पर क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे देखिए लॉगिन वाली पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर लॉगिन होके आ चुके हैं। अब देखिए हमारे सामने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। देखिए आधार डाउनलोड का भी, आधार पीवीसी कार्ड के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, आधार अगर कोई अपडेट करना है आपको तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक, तो करना कि आपको इसी अनलॉक वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए अभी तो हम देखिए सारी हमारी इनेबल हैं। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए। देखिए यहाँ पर देखने को मिला, अगर आप अपनी जो आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक है, यानी कि जो बायोमेट्रिक है उसे आप डिसेबल कर देंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फिंगर केवाईसी आपकी वो भी लॉक है, आयरिस है वो भी लॉक है, अगर फेस भी है तो आपको वो भी लॉक है, और यहाँ पर सिर्फ SMS अलर्ट स्टार रहेगा, बाद बाकी आपके ये सारी ये आपके इन डिसेबल ही रहेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे आपका अनलॉक अगर है आपका, तो देखिए आपको अनलॉक में आप सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको इन चीज़ों को अगर आपको डिसेबल करना है, अगर आप इमरजेंसी में कहीं हैं तो आप इन्हें डिसेबल कर सकते हैं, अगर आपको ऑन भी करना है तो भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर देखने का, आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन होगा नीचे, उस पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस वाली बॉक्स पर इसे यहाँ से टिक कर देना। जैसे यहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट वाली बटन देखने को मिल जाएगी, आपको उसी पे क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे उस पे क्लिक करेंगे देखिए और बायोमेट्रिक हैज़ बीन लॉक सक्सेसफुली, यानी कि अब आपकी बायोमेट्रिक लॉक हो चुकी है। अगर आप अभी KYC या फेस डिटेक्शन कुछ भी करते हैं आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो देखिए आपके साथ अब फ्रॉड होने का चांस बहुत कम रहेगा। केवल आप SMS सर्विस यूज कर सकते हैं, और बाद बाकी बायोमेट्रिक फेस और आपको डेमोग्राफिक कोई भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको देखना है लॉक हुआ है अथवा नहीं हुआ तो आपको डैशबोर्ड वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ताला देखिए आपको रेड कलर का शो होगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक लॉक हो चुकी है, यानी कि अब इसे आपको इनेबल नहीं आपको डिसेबल हो चुकी है। अब अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो वैसे ही आपको सेम प्रोसेस है। अगर इनेबल करने के लिए बाई चांस आपको कहीं KYC करानी है, आपको फिंगर के निशान कहीं देने हैं, तो आपको यहाँ पर इसे इनेबल करना पड़ेगा, तभी आप अपने फिंगर के निशान दे सकते हैं। अन्यथा आपको जब तक आप इसे इनेबल नहीं करेंगे तो आप भी यूज नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर आपको यूज करना है तो आपको इसी यहीं पे ऐसी आपका वही प्रोसेस सेम रहेगा, आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड देखेगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर लॉक ऐसे अनलॉक क्या करना चाहते हैं, अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परेरीली, तो देखिए आपको यहाँ पर टेम्परेरीली पर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर फिक्स टाइम के लिए खोल देंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पर केवल आपको KYC करानी है तो आप उतनी देर के खोल सकते हैं, उसके बाद आप इसे यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करके आपको टेम्परेरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे चल के टाइमिंग देना पड़ेगा। जैसे मान लो आप टेम्परेरी पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे इस पर क्लिक करके नेक्स्ट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन अनलॉक सक्सेसफुली, यानी देखिए आपकी सिर्फ आज भरे के लिए बायोमेट्रिक अनलॉक रहेगी। जैसे ही आपको अगला दिन आएगा स्टार्ट होगा, यानी 5 तारीख आएगी, तो आपकी बायोमेट्रिक ऑटोमेटिकली क्लोज कर दी जाएगी। उससे पहले आपको अगर कोई काम करना है ना तो करवा सकते हैं। ये तो आपको टेम्परेरी रही है, अगर आप परमानेंटली करेंगे तो आपको वहाँ परमानेंटली वाली पर क्लिक कर देगी, उससे हमेशा के लिए आप अनलॉक कर जाएगी। अगर मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब आप यूज करें तभी आपको टेम्परेरी टैब में ऑन कर लेनी है, उसके बाद इसे इनेबल डिसेबल ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी मजबूत रहेगी और आपके साथ फ्रॉड होने का चांस कम रहेगा। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई है तो जरूर एक वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है वीडियो देखने